हे गाइस, आप सबको मून्स क्रिएटिविटी में वेलकम। मैं हूँ मून। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ कोई गार्डनिंग टिप्स शेयर नहीं करूँगी। मैं आज आप लोगों के साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो है ब्यूटी टिप्स। दोस्तों, हमारे यहाँ कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेके एक बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है, एक अलग सा फीलिंग्स होता है। तो यहाँ पे तो एक महीने पहले से ही मार्केटिंग, शॉपिंग ये सब चालू हो गया। मैं भी गई थी आज, कुछ दिनों से हमारा भी चल रहा है। तो इन दिनों लेडीज लोग के लिए जो है, जो घर में हम लोग औरतें होते हैं और जो जॉब करते हैं, हम सबके लिए क्या है, अपने स्किन, अपने हेयर का केयर करना भूल ही जाते हैं। घर के कामों में हम लोग इतना बिजी रहते हैं, इतना उलझ जाते हैं। तो आज से मैं आप लोगों के साथ, अभी दुर्गा पूजा होने में 14 दिन बाकी है, करीब 14-15 दिन बाकी है। तो आज से मैं आप लोगों के साथ कुछ ब्यूटी टिप्स शेयर करूंगी, जिसको आप अगर रेगुलरली अप्लाई करोगे अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, तो आप लोगों को एक डिफरेंस नजर आएगा, एक फर्क आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज पहला जो टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग। हम लोग अपने घर के चीज से, बाजार से खरीद के नहीं, हमारे किचन में जो चीज होते हैं उसी से हम रेगुलरली कैसे अपने स्किन को क्लींजिंग और स्क्रबिंग कर सकते हैं, उसी को मैं आज बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, क्लींजिंग के लिए मैंने लिया है ये मिल्क, एकदम ठंडा चिल मिल्क है ये, फ्रीज का। तो आपको ऐसे फ्रीज का ठंडा मिल्क लेना पड़ेगा, और हमको लेना पड़ेगा चीनी, शुगर, शक्कर, बांग्ला में जिसको बोलते हैं चीनी, और इंग्लिश में शुगर। तो अगर आप लोगों के पास मोटे दाने वाले चीनी है, शुगर है, तो आप लोग उसको हल्का सा ग्राइंडर में पीस लीजिए। अगर शक्कर का दाना छोटा है तो आपको पीसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शक्कर स्क्रबिंग, हम लोगों को स्किन को स्क्रबिंग करने के लिए हेल्प करेगा। सबको पता है कि मिल्क एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्लींजिंग प्रोडक्ट है, और ये स्किन को ग्लो भी करता है और स्किन को मॉइस्चर भी करता है। आप लोग बाहर के क्लींजर मत यूज कीजिए, मिल्क यूज करके आप देखिए। मैं जो मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अब उसको यूज करके देखें। और प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोग इसका प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं हम, ये आप नहीं जान पाओगे। तो प्लीज इसको पूरा देखना। तो मैं ले रही हूँ थोड़ी सी मिल्क, बस आपको जितना यूज करना है उतने हिसाब से आप मिल्क लीजिए। और हमें लेना है स्क्रबिंग करने के लिए ऐसे एक चम्मच शक्कर। शक्कर में एक ऐसी तत्व होते हैं जो हमारे स्किन को एक्सप्लोड करते हैं, और स्किन में जो डेड सेल होता है उसको रिमूव करता है बहुत अच्छे से। आप लोग बाहर से एप्रिकोट स्क्रबर खरीदो, या स्ट्रॉबेरी स्क्रबर खरीदो, पपाया स्क्रबर खरीदो, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के यूज करके देखो, और मेरे बताए हुए इस रेमेडी को आप यूज करके देखो, आप लोगों को फर्क नजर आएगा। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप इसको हर रोज यूज कर सकते हो, 2 times, आप नहाने के पहले और रात को सोने से पहले आप लोग इसको यूज कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आप लोगों को आप लोगों के स्किन का कोई नुकसान नहीं करेगा। और एक बात, अगर आप लोगों का स्किन बहुत ही ड्राई है तो आप लोग इसको एक बार कर सकते हो। तो पहले हमको और मिल्क में चीनी को ज्यादा इसको घुलाना नहीं है, थोड़ा इसका दाना रहना चाहिए। तो ऐसे हमको ऐसे लगाना पड़ेगा अपनी स्किन पे, मिल्क के साथ थोड़ा चीनी भी आया, ऐसे करके पूरे आप लोग इससे अपना पूरा बॉडी वॉश कर सकते हो, स्क्रबिंग कर सकते हो।
चाहो तो चेहरे पे भी लगा सकते हो, आई इस एरिया में एरिया पे भी लगा सकते हो। डार्क सर्किल ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है। और हाँ, चीनी को इस एरिया में ज्यादा रब नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसको रब करना है। तो ऐसे करके आप पूरा हाथ अगर आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो और घर में लौट के तुरंत इस मेथड को अप्लाई करते हो, आप लोग इस रेमेडी को अप्लाई करके देखो। स्क्रबिंग मत करो, बाहर के स्क्रबर खरीद के इसको यूज करके देखो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप लोगों को एक हफ्ते में, करीब एक हफ्ते में ये इतना अच्छा रिजल्ट देगा जो आपको बाहर से खरीदे हुए स्क्रबर नहीं दे पाएगा। आप लोग जो बहुत सारे पैसे और बहुत सारे टाइम वेस्ट करते हो पार्लर में जाके, तो ये उस आप लोगों को उस हिसाब से ये बहुत अच्छा और सेव है स्किन के लिए, पैसे के लिए, टाइम के लिए, सब कुछ के लिए ये रेमेडी बेस्ट है। तो ऐसे आप अपने हाथ पे, अपने चेहरे पे या अपने बॉडी पे ऐसे रब करके 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे रब करोगे। और फिर इसको जिसका ड्राई स्किन है वो 5 मिनट तक सूखने के लिए टाइम दोगे, जिसका ऑयली स्किन है वो 10 से 15 मिनट्स तक टाइम दे सकते हो इसको सूख। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं थोड़ा इसको टाइम लूंगी कि ये सूख जाए। इसको सूखने के बाद ठंडे पानी से वॉश करना है, गर्म पानी इसको यूज नहीं करना। और मेरे 10 मिनट्स हो गए, मैं 15 मिनट्स तक टाइम नहीं ले सकती क्योंकि और भी बहुत सारे काम है। तो मेरे 10 मिनट्स हो गए, तो देखिए मैं अपने हैंड को वॉश करके आई हूँ। देखिए मेरे दोनों हाथ में जो डिफरेंस है आपको पता चलेगा, आप देख सकते हो मेरे दोनों हाथ को। इस हाथ में मैंने ये रेमेडी अप्लाई किया है और इसमें अभी तक नहीं किया है, तो आप इसका डिफरेंस खुद देख सकते हो। मैं कहूंगी ये सबसे अच्छा घरेलू प्रोडक्ट है जो आपका स्किन को कोई हानि नहीं करेगा। आप इसको रेगुलर यूज करते कर सकते हो 2 टाइम्स तक। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को यूज करने के बाद जिसका ड्राई स्किन है वो कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, जैसे ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऑयल यूज नहीं करना है तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, जिसमें क्रीम का पोर्शन ज्यादा है, आप ऐसे कोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। और जिसका ऑयली स्किन है वो कोई लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर जो एलोवेरा जेल आता है उसको आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेमेडी अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर देना और इसको सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि पूजा का ज्यादा दिन देर है तो नहीं, बस 14 दिन बाकी है, तो सबको अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, गोरा चिट्टा दिखना है। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना ताकि सबको हेल्प हो जाए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो गार्डनिंग टिप्स, जो ब्यूटी टिप्स और जो होम केयर टिप्स YouTube में डालती रहती हूँ, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और एक बात फ्रेंड्स, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज मेरे साथ एडजस्ट कर लेना, मैं सीख रही हूँ और प्रॉमिस करती हूँ और अच्छे से सीख लूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय।